most welcome in this session. In this video, we shall discuss the most important question of inclusive education. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हेल्पफुल होंगे एनटीए नेट जेआरएफ एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, पीजीटी एजुकेशन, बीएड एमएड के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो टीचिंग से संबंधित हैं। चलिए हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी टॉट अलोंग विद द नॉर्मल स्टूडेंट इम्प्लाइज वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। इसका अर्थ है, कहने का मतलब है यहाँ पर सामान्य बच्चों के साथ में विशिष्ट बच्चों को पढ़ाया जाना क्या कहलाता है? स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन। तो कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, एक सामान्य कक्षा में सामान्य बालकों के साथ साथ में विशिष्ट बालकों को या स्पेशल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, इंटीग्रेटेड में स्कूल सेम रहता है लेकिन स्पेशल बच्चे नॉर्मल बच्चों की क्लास डिफर होते हैं या अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। स्पेशल एजुकेशन में केवल स्पेशल बच्चे ही पढ़ते हैं, उनका स्पेशल कैरिकुलम होता है, स्पेशल टीचर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं, सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स सफल समावेशन के लिए चाहिए। ऑप्शन ए सस्टाइजेशन, ऑप्शन बी सेग्रीगेशन, ऑप्शन सी लेबलिंग, ऑप्शन जीरो फेल पॉलिसी, संवेदनशीलता, अलगाव, अंकित करना, शून्य असफलता नीति। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जीरो, ठीक है, शून्य असफलता नीति। कहने का मतलब नो वन रिजेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ एनी डिसेबिलिटी, किसी भी बच्चे को हम विद्यालय में आने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, किसी की विकलांगता या डिसेबिलिटी के आधार पर। तो यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही है एवरी वन वेलकम्स इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच ईयर डिड द इंडियन गवर्नमेंट फार्मूलेट द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स एंड आर्टिकुलेट ए नीड टू इंटीग्रेट स्टूडेंट डिसेबिलिटी। भारत सरकार ने किस वर्ष समस्त शासकीय विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया तथा निरोगिता विद्यार्थियों के लिए एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया? तो ऑप्शन आपका 1986 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1986 में यहाँ पर बात की गई थी और इसी 1986 को क्रियान्वित किया गया था 1992 में। क्वेश्चन नंबर फोर की हम बात करते हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट बाज फॉर होल इंडिया एक्सेप्ट विच स्टेट। पीडब्ल्यूडी अधिनियम समस्त भारत के लिए था, केवल एक राज्य को छोड़कर वह है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, किस राज्य में अप्लाई नहीं था? तो वो राज्य था आपका जम्मू कश्मीर। क्यों? क्योंकि धारा 370 से पहले भारतीय संसद के जो नियम कानून है वहाँ पर अप्लाई नहीं होते थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की हम बात करते हैं, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 12, 14 ईयर हैज़ बीन इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस रूप में सम्मिलित किया गया? तो इसको सम्मिलित किया गया है आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 21 आ, ठीक है, जो कि संसद में 86वीं संशोधन के साथ में इसको बनाया गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, आर्टिकल 21 के बाद में जो एजुकेशन थी, शिक्षा थी, उसको क्या बना दिया गया था? उसको बना दिया गया था फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन बाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर?
प्रोग्राम ऑफ एक्शन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन शुरू किया गया था 1992 में, 1992। क्यों? 1986 की जो पॉलिसी आई थी उसमें कुछ विसंगतियां थी, कुछ लोग सहमत थे, कुछ लोग सहमत नहीं थे। उन्हीं विसंगतियों को दूर करने के बाद में यहाँ पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन या 1986 की शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कब किया गया था? 1992 में। यहाँ पर बात की गई थी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, यहाँ बात की गई थी नवोदय विद्यालय की, यहाँ बात की गई थी वुमेन एजुकेशन की, और यहाँ पर इसके साथ साथ बात की गई थी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, विकलांग बच्चों की बात यहाँ पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इट इज शिफ्ट इज इन सर्विस फ्रॉम पर्सनल केयर टू पर्सनल डेवलपमेंट, ये व्यक्तिगत देखभाल से व्यक्तिगत विकास के लिए सेवा में एक बदलाव है। ऑप्शन बी, इज नॉट ए स्टेट फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक स्थिति नहीं बल्कि सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, इनहेंस लर्निंग ओनली फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड, केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सीखने को बढ़ाता है। ऑप्शन डी, मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्रों की क्षमता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात की गई है समावेशी शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है केवल विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए, जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा की बात होती, सबको आगे बढ़ाना, नॉर्मल बच्चों के साथ साथ स्पेशल बच्चों को भी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, विच टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है? ओनली स्पेशल चिल्ड्रन, जनरल और स्पेशल चिल्ड्रन, ओनली जनरल, मल्टीलिंग्विस्टिक एंड गिफ्टेड। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जनरल और स्पेशल दोनों चिल्ड्रन को इंक्लूड किया जाता है, सामान्य और विशिष्ट बालक। क्वेश्चन नंबर 9, द एम ऑफ PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट अधिनियम का उद्देश्य है प्रोवाइड मेडिकल केयर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चिकित्सा देखभाल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा यहाँ पर, 10 सॉरी, द फुल फॉर्म ऑफ RCI, RCI का फुल फॉर्म क्या है? तो RCI का फुल फॉर्म है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। और RCI क्या है? RCI को 1986 में एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाया गया था। इसके बाद सितंबर 1992 इसको इनेक्टेड किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, और 22 जून 1992 को इसको संवैधानिक निकाय के रूप में भारत सरकार ने मान्यता दी या भारतीय संसद ने मान्यता दी। RCI का काम क्या होता है? RCI का काम होता है रेगुलेट ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कोर्सेज फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए करिकुलम बनाना, उनके लिए कोर्स बनाना, ठीक है, उनके लिए ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कराना। अगला क्वेश्चन है हमारा 11, न्यूरो मोटर इम्पेयरमेंट इज एसोसिएटेड विद, न्यूरो मोटर दुर्बलता संबंधित है। तो देखो, न्यूरो मोटर दुर्बलता वो संबंधित है ऑप्शन सी मेंटल रिटार्डेशन से। क्यों? यहाँ पर जो न्यूरो मोटर है इसके 3 ब्रॉड ग्रुप हैं। पहला आपका सेरिब्रल पल्सी, दूसरा न्यूरो मस्कुलर, तीसरा है अदर न्यूरो मोटर इम्पेयरमेंट। तो सेरिब्रल पल्सी में प्रॉब्लम होने के साथ साथ में मेंटल डिसऑर्डर भी होता है, मेंटल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके द्वारा मेंटल रिटार्डेशन आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 12, ए चाइल्ड हु इज विजुअली इम्पेयर्ड, एक बच्चा जो दृष्टि बाधित है, शुड नॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, शुड बी पुट इन स्पेशल एजुकेशन स्कूल, शुड बी पुट इन रेगुलर क्लास विद सम स्पेशल प्रोविजन, शुड बी पुट इन रेगुलर क्लास विद नो स्पेशल प्रोविजन। तो दृष्टि बाधित जो बालक है उसको ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कहने का मतलब कोई बच्चा यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको जो हमको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना है वो हियर वो वहाँ पर विजुअल एड्स हो सकती हैं, उसको बैठाने का प्लेस हो सकता है, उसके बुक्स को लेके बात हो सकती है, लार्ज फॉन्ट की बुक्स हो सकती हैं। उन प्रोविजन के साथ में हम उस बच्चे को नॉर्मल क्लास में बैठाएंगे। अगर हमें ट्रीटमेंट नहीं देंगे,
अगर हम बच्चों को नॉर्मली क्लास में बैठा देंगे तो बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ में सीख नहीं पाएगा और उसका लर्निंग लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं या गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, अपने निर्णय में स्वतंत्र, क्यों ये मेंटली परफेक्ट होते हैं, इनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इनके अंदर होती है, तो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिएटिविटी इज एसोसिएटेड विद, रचनात्मकता का संबंध है, सृजनात्मकता का संबंध है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, और जो इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, कौन सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? एलोबरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, इंडोलेंस, विस्तार, लचीलापन, प्रभाशीलता और आलस। तो इंडोलेंस यहाँ पर क्रिएटिविटी का एलिमेंट्स नहीं है। चौथा एलिमेंट है आपका ओरिजिनलिटी, जिसको हम बोलते हैं मौलिकता। क्वेश्चन नंबर 16, एजुकेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट शुड बी गिवन, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए प्रतिभाशाली बालकों को, गिफ्टेड स्टूडेंट्स को, क्रिएटिव चाइल्ड को, सृजनात्मक बालक को, ऑर्थोपेडिक इम्पेयर चिल्ड्रन को, अस्थि बाधित या अस्थि रोग वाले बालक को, या बैकवर्ड चिल्ड्रन पिछड़े बालक को। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्रिएटिव चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, ए क्रिएटिव स्टूडेंट इज वन हु हैज, एक रचनात्मक या सृजनात्मक छात्र वह है जिसके पास उच्च समस्या समाधान क्षमता होती है या हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्यों? क्योंकि इनके पास होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो एक साथ कई दिशाओं में कई समस्याओं के समाधान को खोजते हैं और जो अप्रोप्रिएट होता है उसको ऑप्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास एक्टिविटी डज फोस्टर क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स, कौन सी कक्षा गतिविधि छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा देती है? तो वो विधि है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानसिक उद्वेलन विधि, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, एक्सेलरेशन इन रेफरेंसेस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स, प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में त्वरण का अर्थ है, प्रमोटिंग टू नेक्स्ट ग्रेड, इन्हेंसिंग स्कूल टाइम, गिविंग मोर, ठीक है, और आपका अगला है इंक्रीजिंग टीचर असिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट, प्रमोटिंग नेक्स्ट ग्रेड, अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, क्यों? इन बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, इनका नॉलेज भी अच्छा होता है वहाँ पर, तो हम इनको आगे की क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, तो आपका यहाँ पर आ जाता है लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, ठीक है, जब शरीर के अंगों की जो गति होती है, जो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट होता है लो होता है, तो उसको हम बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 21, फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग आई क्यू, आई क्यू का गणना सूत्र है, तो आपका आई क्यू का गणना सूत्र है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे की क्वेश्चंस की, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ओनली 22 क्वेश्चन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी NIEPBD इज सिचुएटेड एट, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान NIEPBD स्थित है। यहाँ पर बात हो रही है NIBH, जो नेशनल लेवल का विजुअली इंस्टीट्यूट है, जो पूरे इंडिया में कहाँ है, देहरादून में, जो विजुअली इम्पेयर्ड फुली ब्लाइंड के लिए वर्क करता है, रिसर्च कंडक्ट कराते हैं, लर्निंग मटेरियल बनाते हैं, अप्रेटस बनाते हैं और तरह तरह के इक्विपमेंट के ऊपर भी रिसर्च करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।